हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम क्रोएशिया जा रहे हैं और अभी हम लोग कोविड टेस्ट के लिए आए हैं। एक्चुअली दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पर ही कोविड टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अभी कोविड टेस्ट कराते हैं। लेट्स होप कि 5-6 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी, दैन उसके बाद जो भी आपको अपडेट होते हैं वो देते हैं। देखो ब्रदर, अगर आप क्रोएशिया जा रहे हो ना और आपका ट्रांजिट कतर है, दोहा है, तो आपको क्या है ना रैपिड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग कह रहे हैं रैपिड टेस्ट चाहिए, वो उनको चाहिए जो कतर एक्सिट करेंगे। आपका ट्रांजिट कतर में है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, वो कोई भी लेके आओ, कहीं से भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट ले आओ, सब एक्सेप्टेड है। अगर वहाँ से नहीं ले पाते तो फिर दिल्ली टर्मिनल 3 पे आरटीपीसीआर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ 500 रुपये इसकी फ़ी है, सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप आते हैं तो इट विल टेक सम अराउंड 6 to 8 आवर्स टू गेट रिपोर्ट फ्रॉम दी सेंटर, तो आप उस हिसाब से टाइम मैनेज करके आओ। अभी हम लोग ने कतर में हैं, यहाँ पे 6:42 AM हो रहा है, इंडिया में आके 9:42 या मतलब 9:15 के आसपास हो रहे होंगे, 9:45 के आसपास हो रहे होंगे। अभी हमारी एक्चुअली कतर से कनेक्टिंग फ्लाइट थी वाया कतर, और कतर एयरवेज में हम जाते हैं क्रोएशिया। हुआ क्या, एक्चुअली पहले तो हमारी फ़्लाइट पहले ही डिले थी, सवा घंटे 1 hour 15 minutes डिले चल रही थी फ्लाइट। ऊपर से क्या हुआ, कतर एयरवेज़ ने बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करा। उनका कहना यह है, जो कतर एयरवेज़ का स्टाफ है, पता नहीं यार पढ़े लिखे बैठे हैं, जान के परेशान क्रिएट करने के लोगों को बैठते हैं, कि वर्क परमिट जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनके पास रिटर्न टिकट क्यों नहीं है। अब उनको कौन समझे वर्क परमिट रिटर्न टिकट नहीं होती। तो अगर कोई कतर एयरवेज में हो किसी का, नहीं तो प्लीज़ उसको बोलिए कि वर्क परमिट के लिए रिटर्न टिकट रिक्वायर्ड नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। और इंडिया से शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है आफ्टर गेटिंग शॉर्ट टर्म वीज़ा, व्हेन यू रीच टू दैट पर्टिकुलर कंट्री जिससे आपका वीज़ा इशू हुआ है, वहाँ जाके आपको रेजिडेंस परमिट लगता है। जो रेजिडेंस परमिट इशू होता है वो कंपनी कराती है। तो ये कतर एयरवेज को प्लीज़, कोई ऑफिशियल हो, किसी का कोई लिंक हो, कोई ट्रैवल पार्टनर, कोई भी ट्रैवल एजेंट जो भी फ्रेंड हो, तो प्लीज़ बताइए उनको। ज़ाग्रेब पहुँच गए हम लोग और एज़ यूजुअल कुछ इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। बहुत ही स्मूथ, सुपर स्मूथ इमिग्रेशन था। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ा सा मास्क एंड फेस शील्ड यूज़ करनी पड़ रही है, बाकी ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है। ये पीछे देखो, बाकी क्या है, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है एंड अच्छा है। अपार्टमेंट जाते हैं, अपार्टमेंट दिखाते हैं हमारा कैसा है। एक सिटी में हमने अपार्टमेंट लिया रेंट पे, तो उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे की वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली कल क्रोएशिया पहुँचे थे, तो कल तो हमको कोई सेटल होने का ज़्यादा टाइम मिला नहीं, तो हमने आपको अपार्टमेंट का टूर भी नहीं दिया। अभी आपको अपार्टमेंट का टूर देते हैं। और ये बेसिकली अभी जहाँ पे हम हैं ना, ये है हमारा ड्राइंग रूम, यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप क्रोएशिया आ रहे हो तो ये जो मल्टीप्लग चार्जर होता है, जिसको हम ट्रैवल अडेप्टर भी बोलते हैं, आप ये ज़रूर लेके आइए। इसमें क्या होता है, बेसिकली तो कुछ जो सॉकेट होते हैं ना, यूरोपियन स्टेप के होते हैं, तो इंडिया के जो सॉकेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आप अगर आओगे लेकर नॉर्मल अपना चार्जर या कुछ, तो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। बाकी मैं आपको बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। बालकनी है, बहुत एम्पल स्पेस है, देखो चेयर्स भी लगी हैं। और स्मोक जो करते हैं लोग, हमें तो कोई नहीं करता, बट पुराने रखे हैं तो एक बैठने का अच्छा इंतज़ाम है। ये व्यू है, पूरा व्यू बहुत अच्छा है, और इवन रात में तो बहुत ही अच्छा व्यू था। ये सामने जो है, शायद मे बी कुछ स्टेडियम टाइप का है, एग्जैक्ट पता नहीं क्या है, क्योंकि आज ही बाहर निकलेंगे, देखेंगे क्या हिसाब किताब है। एक ये छोटा रूम है, बाकी किचन है फुली फर्निश्ड। कुछ सामान लाने की नीड तो पड़ी नहीं है, क्योंकि हमने जो अपार्टमेंट लिया थोड़ा सा महंगा पड़ा है, ठीक है, फुली फर्निश पर मिला बट हमको। स्पेस बहुत है इसमें, कबर्ड बहुत है, अलमीरा जो होती है, ये बाथरूम है, ये मास्टर रूम है। सारा सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि कुछ रात को जैसे बताया सेटल होने का टाइम तो मिला नहीं, अभी सेटल होते हैं, साफ सफाई करते हैं। इसे बालकनी व्यू देखो, व्यू बहुत ज़बरदस्त है यार, रात का तो बहुत अच्छा व्यू आता है। क्रोएशिया में हमारा दूसरा दिन है, दूसरा क्या पहला दिन है, थोड़ा घूमने जा रहे हैं। ये हमारी टैक्सी है, ये टैक्सी हमारी,
बैठते हैं फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं क्या है। ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा उधर हो जाए। यस थोड़ा सा शहर घूमने जा रहे हैं तो देखते हैं शहर में क्या बात है, आपको ही घुमाते हैं। नीजा ड्राइवर No problem. No, actually government is giving free vaccination to everyone in India. Everyone? Yeah. Paid option is also available if you want to buy, you can buy also. But if you don't want to pay any money, then vaccination program is fully free. Mm-hmm. Don't pay even a single penny. तो जी हम आए थे यहाँ पे किसी से मिलने एक लोकेशन पे और मुश्किल से 12 किलोमीटर का सफ़र किया है कार में और खर्चा आया है 80 गुना है ना खर्चा हमारा 80 गुना। पीछे आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं, देखता देखता इसको रुक गया मैं का बहुत अच्छा। एक्चुअली जो ज़ाग्रेब है ना ये पहाड़ी पे है इसका काफ़ी एरिया, तो ये देखिए व्यू, ये देखो कितना अच्छा व्यू है। एंड अभी हम वापस जा रहे हैं, तो आए तो हम लाइक टैक्सी से थे जिसमें हमारा 80 कोना के आसपास लगा है, बट अभी किसी ने बोला कि बस का राइड भी लेके देखो तो बस का राइड लेते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जो भी होता है। सिर्फ मॉर्निंग की बस मिली हमको और हमारा खर्चा पड़ा है सिर्फ मात्र 22-23 कोना पड़ा है शायद ना दो बंदों का, और हमने क्या है ना अभी चेक नहीं किया 80 कोना तो उसने दिए हैं, बाकी कुछ चिल्लर दिए हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्या है ना लोग काफ़ी मतलब पूछो तो यार देखो काफ़ी 90% जनता तो बहुत ही अच्छी अभी तक, बाकी फ्रेंच एलिमेंट हर जगह तो होते ही हैं कुछ, तो उनको नहीं कह सकते, बाकी ओवरऑल अगर आप बात करो तो लोग अच्छे हैं यार, अच्छे लोग हैं काफ़ी ना। ये ट्रेन रुक गई है, बार बार ट्रेन बोला जा रहा हूँ मैं, बस को पता नहीं क्या हो रहा है, जब से ट्रैम भी ट्रैम देख रहा हूँ ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ठीक है ट्रेन नहीं है बस है, यही बोल रहा हूँ आप से ट्रेन से आ रहे ना तो आपको ट्रेन लगेगी। ये बस में घूम रहे थे हम लोग ना और घूमते घूमते द लेडी ओवर है कैन यू से हेलो, शी इज़ हेल्पिंग अस एक्चुअली वी फॉरगॉट द वे, सो ये बस में ट्रैवल कर रही थी तो इसने बताया हमको ना। व्हाट्स योर नेम? कृष्णमीरा। दैट्स अ इंडियन नेम, दैट्स अ इंडियन नेम, कश्मीर दैट्स अ इंडियन नेम यू नो, दैट्स अ इंडियन नेम। तो ठीक है बेचारी हेल्प कर रही है, तो हेल्प कर रही है बेचारी, तो यहाँ पे जो लोग हैं ना काफ़ी हेल्पिंग है यार, किससे हेल्प मांगो तो बेचारा बता खुद ही रास्ता बताने आई है, इससे पूछा जस्ट तो रास्ता बता रही है। थैंक यू सो मच मिस कश्मीरा। दो बसेस चेंज करी हमने और अभी हमने जाना है सेगेट जहाँ पे हमने अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, तो सेगेट जा रहे हैं और या इट्स रेडी टू गो ग्रीन। चलो भाई विदेश में रूल पूरे फॉलो करने पड़ते हैं, इंडिया में तो जो मर्जी करो भाई, ये इंडिया नहीं है यहाँ पर्ची कट जाती है। क्यों भाई पर्ची कट जाती है यहाँ? हाँ बिल्कुल अभी अभी तो सही जा रहा है बस, अभी मैप लगाया हमने तो चल रहे हैं। भाई हेलो बोल दे अपने, तेरे को नहीं दिखा हमने। हेलो ब्रो सबको ब्रो, चल रहे चलो थोड़ी सी वॉक हो जाएगी सी वाने, ऑलमोस्ट कितना 500-600 मीटर दिखा रहा है जहाँ पे हम बस एक स्टेशन आगे आ गए थे। ये जी घूमते घूमते आगे हैं हम मॉल में एक, हाँ नाम पता नहीं इसका क्या है, टहल रहे थे सिगरेट जाने के लिए, तो सिगरेट के पास एक मॉल था पता था कि मॉल है क्या, हमने कहा चलो ठीक है वहाँ भी जब आए तो मॉल घूम लेते थोड़ा सा, कोई ना बाकी ऑल द बेस्ट यार कोई चक्कर नहीं। देखो ये है तो मॉल लोकल मार्केट ओपीजी रुसिक, नो आइडिया क्या मतलब है इसका, मॉल का नाम क्या है कोसम पता नहीं यार, क्रोएशियन में लिखा है कुछ कुछ, हमें कहाँ क्रोएशियन आती है। चलो अंदर जाते हैं, अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखते हैं कहाँ से एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा मॉल है।
तो एंट्रेंस नहीं पता चल रही कहाँ से एंट्रेंस है। ये जी एंट्रेंस ना पीछे लोडिंग। क्या मास्क लोडिंग नहीं, लोडिंग नहीं, रहने दो। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ इधर से चलते हैं। खेलो जी डॉग, डॉग लवर्स के लिए बड़ा अच्छा जगह पे। मॉल में तो एक आए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं काफ़ी, देखो काफ़ी अच्छा बना है। चलते रहो, घूम लेते हैं मॉल में। ये है मॉल, नाम क्या है मॉल का यार? हाँ जी मॉल का नाम क्या है? देखेंगे दोनों। ऊपर चले, मास्क लगाना पड़ेगा यार। नहीं हाँ लगा रखा है लोगों ने, लगा लेते हैं जब सबने लगा रखा है। ये जो मॉल है ना जहाँ पे हम अभी आए थे, इसका नाम है एवेन्यू मॉल, और इसमें अंदर क्या है रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो हम मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करी तो सडनली एक ऑफिशियल आए, उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो शॉप के ओनर थे शायद, में भी एम्प्लॉई थे, तो मैंने भी चलो ठीक है उनकी बात मानते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने हैं जहाँ पे जाओगे। तो एवेन्यू मॉल है, काफ़ी अच्छा मॉल है, और सिम कार्ड लेना तो सिम कार्ड भी यहाँ मिलता है, मनी एक्सचेंज भी है। सिगिट में है ये मॉल, सिगिट हम जहाँ रह रहे हैं उसके पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है 500 मीटर का। तो आई गेस डेट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आगे आपको जो भी आगे का प्रोसेस है, अभी TRC अप्लाई करेंगे अपने और अपने कैंडिडेट्स की, तो TRC भी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्रोशिया की चाहिए हो कुछ, तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो, चैनल को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरी कुछ वीडियोस से या कुछ भी वीडियो देख के आपका कुछ बेनिफिट या किसी और का बेनिफिट होता है, तो डोंट मतलब फॉरगेट टू शेयर दी चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो भी शेयर कीजिएगा, चैनल का लिंक भी शेयर कीजिए। बट डेट्स ऑल वर्ड का। ओके थैंक यू, टेक केयर।